मैं मुर्शिदाबाद जिले की रहने वाली हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे अच्छे कपड़े पहनना और घूमना भी पसंद है। श्रृंगार की चीज़ें जैसे कि चूड़ियाँ, कान के बूंदे, गले के हार इत्यादि मुझे बहुत पसंद है। वो साल कौन सा था मुझे याद नहीं। घर के आसपास एक जोड़ा रहने आया था। वो अपने घरों से भाग कर आए थे। पास में ही किराए का मकान लिया था उन्होंने। उस महिला का पति मुझे पसंद करता था। उसका एक मित्र था। उस पुरुष ने अपने मित्र को मेरे बारे में बताया और पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगा। एक दिन वो मुझे देखने आया। कुछ दिनों बाद उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा और फिर हमारी बात होने लगी। बातें करने के दौरान उसने मुझे बताया कि वह मुझसे प्रेम करता है और मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि अगर शादी करना चाहते हो तो यहीं करो, मैं मुर्शिदाबाद छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं तब मिडिल स्कूल में थी और मेरा रिजल्ट आने ही वाला था। उसने कहा कि हम एक महीने के बाद वापस लौट आएंगे। उसने मुझसे कहा, मेरे बहुत से मित्र दिल्ली जैसे शहरों में नौकरी करते हैं, मैं भी काम ढूंढूंगा और हम साथ रहेंगे। उस दिन मैं उससे मिलने सुबह सुबह घर से निकल गई। 2 दिनों के बाद हमने दिल्ली के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। मेरे घर पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। हम दोनों ने भागने का निर्णय लिया था। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे लगा था कि मेरी शादी होगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बेच दी जाऊंगी। उस वक्त मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती थी। पहले हम जो बताने जा रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में वो जानना ज़्यादा जरूरी है। उनकी 2-3 बहन है। एल्डर 2 सिस्टर है, उसका फादर है और मदर है। फादर फिजिकल चैलेंजर है और काम वगैरह कुछ नहीं करता है और फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बहुत ख़राब है। वो उनको शादी करने का पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो कितना जोड़ेगा कितने जुड़ गए। तो ये हालत, ये कंडीशन में कभी कभी उसका घर पे खाना तक नहीं बनता था। समझा कि वो तो मुझे प्यार करता है, अगर फैमिली कंडीशन भी ख़राब है कभी, और मेरा पापा तो मेरा शादी नहीं करा सकते, तो इस सिचुएशन में अगर उस लड़के को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, तो हम घर बसा के कुछ शांति से जी सकते हैं। कम से कम 2 वक्त तो खाना रोटी तो मिल सकता है, कपड़ा तो मिल सकता है। अगर ट्रैफिकर ने बोला है कि तुम एक काम करो, तुम घर से चला आओ मेरे पास, हम दूसरे स्टेट जाएंगे, उधर हमको तो कोई ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो हम उधर एक रूम लेंगे किराए पे, पहले हम घर बसाएंगे, धीरे धीरे हम काम करेंगे, क्योंकि उधर अर्निंग भी ज़्यादा मिलता है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है। जिस सिचुएशन में वो गुजर रही थी उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसका फैमिली तो ठीक नहीं है। ऊपर से उसको एक भरोसेमंद आदमी मिला, उसको लगता है कि एक भरोसेमंद आदमी मुझे मिला कि इसके सहारे में पूरा जिंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि वो
वो मुझे सच्चे से अपने दिल से प्यार करता है। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे मालूम चला कि उसके पहले से ही दो बच्चे थे। उसकी माँ और उसकी पत्नी मुझे फोन पर गालियाँ दिया करती थी। मुझे एक घर पर ले गया गया, वहाँ मैं सफाई करती, कपड़े धोती और घर का बाकी सारा काम करती। इसके अलावा मुझे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी मजबूर किया जाता था। बदले में एक औरत और वो व्यक्ति जो मुझे लेकर यहाँ आया था, उनको पैसे मिलते थे। भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आया करते थे, सभी अच्छे घरों के मालूम हुआ करते थे। मैं कभी भी काम करने से इनकार करती तो मुझे मारा पीटा जाता। वहाँ पर ट्रैफिकिंग ये होता है दिल्ली गुड़गांव में, क्या है कि मान के चलिए कि हम एक लड़की को खरीदा, एज ए मेड बना के हम घर का कुछ काम किया और उसको हम वाइफ की तरह यूज किया। अगर मेरा दिल भर गया तो हम दूसरे को बेच देते हैं। हम मान के चलिए कि हम 10,000 रुपया में कुछ एक लड़की खरीदा, मेरा काम हो गया तो हम 10,000 से और एक आदमी को बेच दिया। तो इस तरह दो तीन हाथ उसको, दो तीन घर में इस तरह उसको सेल किया, रीसेलिंग किया। गुड़गांव में पहले उसको सेलिंग किया था, वो पूरा इस वो रीसेलिंग होता था, वो पूरा प्रोसेस 6-7 महीना तक चला, जैसे कि वो जंतु जानवर की तरह रीसेलिंग होता था। तो एक दिन एक घर में था वो, लेकिन उस घर में उस दिन कोई नहीं था, शायद उस घर में किसी का देहांत हो गया था, किसी रिलेटिव का, तो वो लोग बाहर गए। तो उस घर में तो एक अननोन पर्सन आया, तो उसका रिक्वेस्ट किया कि हम बंगाली हैं और हम इसी हालात में हैं, मैं आपका छोटा बहन जैसे या बेटी जैसा, प्लीज़ मेरा मदद कीजिए। वो लोग बंदा उसके ऊपर तरस खाए, मान गया और अपने मोबाइल यूज़ करने के लिए उसको दिया। तो मोबाइल से तुरंत उसका मम्मी के पास फ़ोन किया, तो मम्मी को ब्रीफली बताया, लेकिन पूरा शॉर्ट टाइम में तो पूरा बात तो नहीं बता सकते कि हम गुड़गांव में हैं, इस हालत में हैं, यहाँ से मुझे बचाने थे, ये लोग मुझे मार देगा। तो वेस्ट बंगाल इन जनरल भी कंट्री में देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में बहुत ही पुअर परफॉर्म करता आ रहा है, और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पेशली अगर वेस्ट बंगाल में भी देखें तो स्थिति बहुत ख़राब है। तो एक दो अगर की फैक्टर्स हो कि क्यों ऐसा है तो क्या क्या होगा? तो पहले ये है कि हम अगर देखेंगे तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर एरिया है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट अक्सर तो उस बॉर्डर एरिया है। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो ऑक्यूपेशन है, इसका लोकल पीपल का ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन जनरली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और सर्विस, बिजनेस, गवर्नमेंट नौकरी बहुत कम है क्योंकि अनएजुकेटेड है और यहाँ पे मुस्लिम बैकग्राउंड का लोग ज़्यादा है, और यहाँ पे एडुकेशन के ऊपर उतना दबाव नहीं डालता है फैमिली। कुछ कुछ फैमिली है, रिच फैमिली, जो कोशिश करता है कि हमारे बच्चों को आगे से पढ़ाएंगे, तरक्की करें देश के लिए। लेकिन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सबसे बड़ा जो बात है, यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पे काम करके कुछ यूज़ इनकम कर सकते हैं, और ना ही कुछ, टोटली रूरल एरिया है, बैकवर्ड साइड है, यहाँ पे अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अर्निंग करने की वजह से ये जो बच्चा लोग रहता है या लोग माने पीपल रहता है, ये पढ़ाई ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं होता है। अगर हर आदमी एडुकेटेड नहीं होंगे तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया के लोगों का टाइप कैसा है, अगर बाहर की दुनिया में लोग किस तरह रहता है, लोगों की साथ जो बिहेवियर कैसा है, ये तो मालूम नहीं होता, वो जानकारी नहीं है। तो क्या है, अगर कोई अननोन पर्सन अगर आएंगे, अगर किसी काम का ऑफर देंगे, तो ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मैंने तो प्रेम किया था, उसके मन में क्या था मैं नहीं जानती थी।
जब मैं वापस मुर्शिदाबाद आई तो मुझे याद है कि लोग इकट्ठे हो गए थे। वो देखो वो वापस आ गई, वो ऐसा कहते थे। शादी करने को गई थी। सभी लोग मेरे माता पिता और मेरे बाकी परिवार वालों को गालियाँ दिया करते थे। मेरी शादी भी हुई जो 4 साल तक चली। मेरा पति मुझे किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देता था। वो मुझे कहता कि तुम बुरी औरत हो, वैश्या हो। वो मुझे अक्सर सिर पर और आँखों पर मारता था। मैं उदास भी हूँ और नाराज भी। मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब तक मैं मरती नहीं तब तक मैं ये सब कुछ नहीं भूलूंगी। अगर मैं दोबारा भी जन्म लेती हूँ तब भी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा जीवन नष्ट हो चुका है। मैं अब काम करना चाहती हूँ जैसे कि आप करती हैं। मैं अब शादी करना नहीं चाहती। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी अपना घर हो और मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूँ। मैं अब आप लोगों की तरह बनना चाहती हूँ।